हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कई आत्माएं तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। कुछ आत्माओं को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु हुई है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और क्यों रखा जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण क्या है? एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गुढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने विस्तार से उत्तर दिया है। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद क्यों सुनते हैं? दोस्तों, गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद सुनने के हम आपको 10 कारण बताने वाले हैं। पहला कारण, गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाई जाती है। दूसरा कारण, दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नर्क, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। तीसरा कारण, आगे की यात्रा में उसे किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। चौथा कारण, जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन भी यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भलीभांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। पांचवा कारण, दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। छठवां कारण, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं? इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। सातवां कारण, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई जरूरी बातें बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यावहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। आठवां कारण, इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। नौवा कारण, इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाली क्रिया कर्मों की विस्तार से जानकारी दी गई है। दसवां कारण, कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृत आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितृ लोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।